अंग्रेजों ने फांसी दी थी 1927 में, जिसमें इलाहाबाद में रोशन सिंह को फांसी हुई थी और फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को और गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को और दो दिन पहले राजेंद्र नाथ लाहड़ी को गुंडा में। हम लोग काकोरी एक्शन के क्रांतिकारियों को याद करके हम लोग प्रचार अभियान चला रहे हैं, नाटक तैयार करके, संगीत की टोली बना करके अलग अलग छात्रों के इलाकों में नुक्कड़ सभाएं करते हैं। और इन शहीदों को हम लोग दो वजह से याद कर रहे हैं। पहली वजह कि आज हमारे देश का हर नौजवान, हर नागरिक क्रांतिकारियों की कुर्बानी और वीरता के पहलू को तो लोग जानते हैं कि बहुत कम कम उम्र में लोग हंसते हंसते शहीद हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो इनके विचारों को, इनके सपनों को लोग बहुत कम जानते हैं कि अंग्रेजों के जाने के बाद यहाँ पर किस तरह की समाज व्यवस्था बने और इसके लिए वो लोग क्या सोचते थे। और इसके लिए मुख्य वजह यह है कि आज देश की जो मीडिया है वो मीडिया मुट्ठी भर लोगों के कंट्रोल में है। जो देश के नेता हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, तो जो वो लोग बोलते हैं वही भाषा वो भी बोलती है। छात्रों की भाषा, छात्रों के मुद्दों को उठाना आज मीडिया का दायित्व नहीं रह गया है, तो वो क्रांतिकारियों के विचारों को भी जनता तक कभी नहीं पहुंचाएंगे। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, इन लोग जिस संगठन से जुड़े थे, उस संगठन का नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये संगठन जब बना था तो इस संगठन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिस घोषणा पत्र में सबसे ऊपर ये बात लिखी थी कि चाहे कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, सबके लिए एक समान शिक्षा और सबके लिए एक बराबर न्याय ये मिलना चाहिए। और इस उसूल के लिए, इस मकसद के लिए लड़ते लड़ते लोग शहीद हो गए। और आज पूरे समाज को देखिए कि आजादी के 75 वर्षों का एक लंबा वक्त गुजर चुका है और क्या आज हमारे देश में शिक्षा एक समान है। हमारा कहना नहीं साथियों, शिक्षा आज बिकाऊ माल है। अगर आपके पास पैसे की ताकत है तो आप अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे, कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेज में आप दाखिला लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा आज खरीदने और बेचने की चीज बना दी गई है। हमारा कहना है कि शिक्षा आज इस तरह से होना चाहिए कि अगर आपको जरूरत है तो आपको मिल जाए। मुंशी प्रेमचंद अपने जमाने में उन्होंने कहा कि ऊंची से ऊंची शिक्षा मुफ्त में मिलनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा समाज की बुनियाद है। और आज पूरे देश में क्या स्थिति है, जो नई शिक्षा नीति छात्रों पर लादी जा रही है, नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज संचालित होंगे तो पूरा का पूरा पैटर्न ही बदल जाएगा। UGC जो ग्रांट देती है विश्वविद्यालय को चलने के लिए, तो ग्रांट खत्म हो जाएगा और विश्वविद्यालय को ऋण मिलेगा, कर्ज मिलेगा वहां के प्रबंधकीय काम के लिए। तो इससे दो चीजें होंगी, एक तो जो गरीबों के घर से आने वाले बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा फीस होगी 35,000-40,000 रूपये एक कोर्स के लिए। दूसरा कि शिक्षा इतनी ज्यादा महंगी हो जाएगी कि आम घरों के बच्चे तो वहां आने के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात साथियों कि पूरे देश में जो आज रोजगार का संकट है, कि 34 से 35 करोड़ नौजवान है जो बेरोजगारी में त्रस्त है। इलाहाबाद शहर में 35 साल 40 साल उम्र हो जाती है, नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। और देश के नेता मंत्री सीधे ये फरमान जारी कर देते हैं कि छात्र और नौजवान ही अयोग्य हैं। हम ये मानते हैं कि फालतू की बात है, कोई भी अयोग्य नहीं होता है। हर आदमी के अंदर कोई ना कोई योग्यता होती है, हर आदमी कहीं न कहीं काबिल होता है, लेकिन अब योग्यता तय कैसे होती है? अगर 5 भर्ती निकली है तो 5 ही लोग योग्य माने जाएंगे, और कोई भर्ती नहीं निकली है तो कोई योग्य नहीं माना जाएगा। अगर कुछ भर्तियां आती भी हैं तो वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो छात्र हैं उनकी जिंदगी तबाह होती है, कि जो लोग 5 साल 10 साल से दिन रात तैयारी करते हैं और जो अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, जो नेताओं के बेटे हैं, जो धन पशुओं की औलाद हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको तो पेड सीट पे एडमिशन ले लेंगे लाखों रुपए दे करके।
तो हम लोग का कहना है कि जो व्यापक छात्र आबादी है आज उसकी जिंदगी में अंधेरा है। और हमारे जो क्रांतिकारी थे एक ऐसा सपना देखे थे कि जब आजादी आए तो हर आदमी की जिंदगी में बेहतरी हो, और वो सपना हम लोग मानते हैं कि आज भी पूरा नहीं हुआ है। उस सपने को पूरा करने के लिए छात्रों को, नौजवानों को अपने गांव मोहल्लों में, अपने कस्बों में क्रांतिकारी संगठन कायम करने होंगे, क्योंकि बिना संगठन के और बिना विचारों के कोई समाज बदलेगा नहीं। और विचारों के नाम पे आज हमारे देश में मीडिया क्या दे रही है, सुबह से लेकर के शाम तक तमाम घटिया गाने, फुहड़ फिल्में, खेसारी लाल, निरहुआ, हनी सिंह, इन लोगों के गाने हम लोग के बच्चों को आज समाज के पोर पोर में डाला जा रहा है। आप जरा गौर कीजिए कि जो लोग इस पूरे माहौल में बनेंगे, बढ़ेंगे, वो किस तरह का नागरिक बनेंगे, वो लंपट अपराधी बनेंगे। लेकिन वो अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे क्रांतिकारियों के अगर आदर्शों को जानेंगे तो बड़े होकर के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और आज हमारे समाज को इसकी जरूरत है, इसलिए हम लोग इन शहीदों को याद कर रहे हैं कि यह भी लोग हमारे देश के ही नौजवान थे जो एक बेहतर समाज के लिए लड़ गए, शहीद हो गए और कहीं भी समझौता नहीं किया। और आज ऐसे लोगों के विचारों की हमारे समाज को जरूरत है। आप लोग पर्चे ले लीजिए, उसको पूरा पढ़िएगा। हम लोग इलाहाबाद में जगह जगह बड़े पैमाने पर ये प्रचार अभियान चला रहे हैं। पर्चों में हम लोगों ने अपना नंबर दिया है, आप लोग संपर्क भी करिए कि मिल करके बातचीत किया जाए, क्योंकि ये अकेले हम लोग सारा जो कार्यक्रम सारा बीड़ा नहीं उठा सकते, इसमें लोग शामिल भी हों, वक्त निकाले। तीसरी बात साथियों, आप लोगों से हम लोग की अपील है कि इसमें आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि जो पर्चे हम लोग ट्रेन में, बस में, जगह जगह बांट रहे हैं तो ये सारा काम जनता के सहयोग के दम पे। पाई पाई हम लोग छात्रों से, नागरिकों से, लोगों से जुटाते हैं, सभी पर्चे निकलते हैं। तो आप लोगों से हम लोग सहयोग भी चाहेंगे आर्थिक तौर पे, कि लोग अपने चाय नाश्ते खर्च में काट करके इसके लिए सहयोग भी करें। बेशक लोग 5, 10, 20, 50, 100 जो जितना कर सकता है, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हम लोग भी छात्र हैं और अकेले अपने बूथ पे, अपने दम पे हम लोग ये सारा संगठन का ताना बाना नहीं खड़ा कर पाएंगे। आप लोग इसमें शामिल भी हो, सहयोग भी करें, आप लोग जितना कर सकते हैं। आप लोग इसमें सहयोग भी करिएगा। उंगली हटाई।